बीन बीटन, मुझे मारा गया, मुझे पुलिस ने मुझे मारा। रिपब्लिक टीवी के फाउंडर और कर्ताधर्ता अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार क्यों हुई है ये गिरफ्तारी और इस पर क्यों हो रही है राजनीति? नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी की, जिन्हें रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिरकार क्या है मामला, क्यों गिरफ्तारी हुई है और इस पर जमकर राजनीति क्यों हो रही है? मामला रायगढ़ जिले के अलीबाग का है। दरअसल 2 साल पहले अन्वय नाइक नाम के एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी माता कुमुद नाइक ने खुदकुशी कर ली थी। उस खुदकुशी के बाद जो पत्र मिला, उस पत्र में लिखा था कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी के लिए इंटीरियर डिजाइन और स्टूडियो डिजाइन का काम किया था। जो बिल दिया गया था उस बिल का भुगतान नहीं किया गया और 5,40,00,000 रुपए के भुगतान नहीं किए जाने से उन्हें काफी वित्तीय नुकसान हुआ और इस आर्थिक नुकसान के चलते उनकी माली हालत हो गई, जिसके चलते खुद कुमुद नाइक और अन्वय नाइक इन दोनों ने खुदकुशी कर ली। इस खुदकुशी का मामला अलीबाग पुलिस थाने में दर्ज हुआ। अलीबाग पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच शुरू की और जाँच के बाद 1 वर्ष तक ये पूरा मामला चलते रहा, लेकिन जांच अधिकारी ने पाया कि पर्याप्त सबूत नहीं है जिससे कि अर्नब गोस्वामी या इस केस में बनाए गए आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके या फिर मामला आगे चलाया जा सके। इसको लेकर एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई। क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन जब महाराष्ट्र में नई सरकार आई, फिर से एक बार अन्वय नाइक की बेटी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलकर अपनी बात रखी और कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला है, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर से इस केस के जांच के आदेश दिए। इस बार जांच के आदेश क्राइम ब्रांच द्वारा कराई जाए, इस प्रकार के आदेश थे। एक बार फिर से इस क्राइम ब्रांच की जांच कराई गई और इस मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। आज सुबह गिरफ्तारी से पहले काफी कुछ ड्रामा हुआ। सुबह 6:30 बजे अलीबाग पुलिस और जो स्थानीय पुलिस मुंबई पुलिस की है वो उनके घर पर पहुंची। काफ़ी ज़्यादा जो ड्रामेबाजी घर पर हुई और पुलिस ने सहयोग नहीं किया, ऐसा आरोप अर्नब गोस्वामी के परिवार की तरफ से लगाया गया। साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी ने कहा कि उनके साथ असॉल्ट किया गया। इस पूरे प्रकरण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। नज़दीकी NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में कागजी कामकाज किया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर अलीबाग लाया गया है। अलीबाग के इसी पुलिस थाने में उन्हें रखा गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर बढ़ाई गई है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है, क्योंकि इस मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। इस गिरफ्तारी को जहाँ पर सत्ता पक्ष सही ठहरा रहा है, वहीं विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है और इसकी तुलना इमरजेंसी से कर रही है। आखिरकार ऐसा क्यों है? दरअसल बीते कुछ महीनों में जिस प्रकार से विवाद हुए, विशेष तौर पर महाराष्ट्र सरकार और रिपब्लिक टीवी की भूमिका, दोनों के बीच जो तकरार हुई, रिपब्लिक टीवी लगातार आक्रामक रहा, महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो खबरें दिखाई उसको लेकर एक नाराजगी, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार इस मामले में अब तक ऐसे कई मामले दर्ज कर चुकी है जो कि रिपब्लिक टीवी या उनके फाउंडर की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसी संदर्भ में यह जो साल 2018 का मामला था, उसमें रिपब्लिक टीवी के संस्थापक और कर्ताधर्ता अर्नब गोस्वामी को सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायगढ़ लाया गया है और यहाँ रायगढ़ में जो स्थानीय कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट, वहाँ उन्हें पेश किया जाएगा और जो स्थानीय पुलिस है वो रिमांड की मांग करेगी। दरअसल रिमांड की मांग करने के बाद यह जानना चाहती है कि आखिरकार ऐसी क्या स्थिति बनी थी कि अन्वय नाइक, जो कि इंटीरियर डिजाइनर थे, जिन्होंने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो और दफ्तर को डिजाइन किया था, उसका भुगतान नहीं किया गया। क्या किस प्रकार की मानसिक स्थिति बनाई गई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, इसलिए पुलिस रिमांड की मांग करेगी। लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग क्षेत्रीय नेताओं से लेकर देश के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है, ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला साल 2018 का है, उस मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश कर उनके रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है और कहीं ना कहीं यह सिर्फ मामला एक केस ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार और भाजपा के बीच का ये मामला बनते जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी का समर्थन किया है, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसे कानूनी तौर पर सही ठहराया है और इसे कानूनी तौर पर दिखाई गई गिरफ्तारी बताया है। ABP News आपको रखे आगे।